नमो नमः। मित्राणि, संस्कृतस्य अनुशिक्षणे भवतां प्रियछात्राणां स्वागतम्। वयम् अद्य कक्षा नवम्याः संस्कृत व्याकरणस्य पाठ्यक्रमस्य तुमुल प्रत्ययं ज्ञास्यामः। पिछले पाठ में हमने त्वा प्रत्यय और लप् प्रत्यय का प्रयोग और किस प्रकार से उनका धातुओं के साथ प्रयोग होकर के अर्थ परिवर्तित हो जाता है, इस बात को जाना था। आज हम तुमुल प्रत्यय को जानेंगे। तुमुल प्रत्यय का वस्तुतः प्रायः अर्थ होता है के लिए। इस तरह का आप एक अर्थ ले सकते हैं इसका, ठीक है, के लिए, ठीक है। तो जहां पर भी तुमुल प्रत्यय का प्रयोग होगा वहां पर हम के लिए ऐसा अर्थ ले सकते हैं, ठीक है। तो अब तुमुल प्रत्यय का प्रयोग धातुओं के साथ किस तरीके से होता है, क्योंकि ये तुमुल प्रत्यय भी आपका कहीं ना कहीं कृदंत प्रत्ययों में ही आता है, यानी कि क्रिया आदि जो धातुएं हैं उन्हीं के अर्थों में होता है, ठीक है। तो जैसे हमने पहला एक शब्द लिया गम धातु है जाने के अर्थ में, और इसमें हमने तुमुल प्रत्यय का प्रयोग कर लिया। तो इसमें जो तुमुल प्रत्यय का प्रयोग करके बनेगा, देखो गम धातु है जानना, तुमुल के लिए, तो जाने के लिए ऐसा बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा वाक्य, गंतुम, ठीक है, गंतुम। ऐसे ही क्री धातु, देखो सबका अलग अलग दिखा रहा हूं आपको, गम धातु एक अलग धातु है, क्री धातु एक अलग धातु है। क्री के साथ अगर तुमुल प्रत्यय का प्रयोग हम करें तो क्री को हो जाता है कर और बन जाता है फिर कर्तुम। जो री है, री को क्या हो जाता है, अर गुण होता है, ठीक है, और कर्तुम बन जाएगा। तो पहचानने का क्या है, इससे त्वा प्रत्यय में आप लास्ट में त्वा, कृत्वा, पठित्वा, लिखित्वा, हसित्वा, इस तरीके का प्रयोग देखते थे, वैसे ही यहां पर तुम, गंतुम, पठितुम, कर्तुम, ठीक है, इस तरह का प्रयोग आप देखेंगे। पठ धातु होगी, उसमें अगर आप तुमुल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं क्या बन जाएगा, पठितुम, इस तरीके का इसका प्रयोग बन जाएगा, ठीक है, गंतुम, कर्तुम, पठितुम। अब लिख धातु है एक अलग ही धातु है, ठीक है, यहां जो ली है, जैसे क्री को कर हो गया था उसी प्रकार से ई को ए हो जाएगा, ठीक है, इसमें तुमुल प्रत्यय जुड़ जाएगा तो बन जाएगा लेखितुम, लिखितुम नहीं बनेगा, लेखितुम, ठीक है, लिखने के लिए, पठितुम। ऐसे ही धाव, दौड़ना, तुमुल प्रत्यय, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, धावितुम। तो जहां भी आपको तुम दिखे समझ लो वहां के लिए अर्थ को बताने के लिए तुमुल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। गंतुम, पठितुम, कर्तुम, हरतुम, ठीक है, इस प्रकार का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। नी धातु ले जाने के अर्थ में है, इसमें हम ई को ए कर देंगे, तुमुल प्रत्यय जुड़ जाएगा तो बन जाएगा ने तुम, ले जाने के लिए, ठीक है। तो यानी कि जहां भी धातु के बाद तुमुल प्रत्यय का प्रयोग होगा वहां जो शब्द बनेगा तुम, गंतुम, कर्तुम, पठितुम, लेखितुम, धावितुम, नेतुम, इस प्रकार का प्रयोग बन गया। अब यहां हम देखना यह है कि इनका प्रयोग किस प्रकार से वाक्यों में करेंगे। जैसे हमने कहा गंतुम, तो इसका वाक्य हम बनाएंगे जैसे वह पाठशाला जाने के लिए, ठीक है, या वह पढ़ने के लिए पाठशाला जाता है। अब सह सह पठितुम पाठशालां गच्छति, इसमें क्या है कि पहले देखो दो प्रकार की क्रियाएं हैं इसमें। पठ धातु भी क्रियायुक्त है, लेकिन क्रिया एक गम है एक पठ है, ठीक
ठीक है। तो पहले वाली जिस काम को करने के लिए दूसरा काम किया जा रहा है तो उस काम में यानी कि पहले वाली क्रिया में आपको तुम्न प्रत्यय जोड़ना है और उसको पठितुम गंतुम इस प्रकार से प्रयोग बनाने हैं, ठीक है। ऐसे अगर दूसरा वाक्य बनाए हम राकेश पढ़ने के लिए या विद्यालय आने के लिए द्विचक्रिका खरीदता है, ठीक है। राकेश विद्यालयम आगंतुम विद्यालयम आगंतुम द्विचक्रिकां क्रीणाति। द्विचक्रिकां क्रीणाति, क्रीणाति मतलब खरीदता है। तो दोनों ही चीजें आ गई, जाने के लिए आने के लिए, गंतुम आगंतुम दोनों ही वाक्य इसमें बन सकते हैं, ठीक है। पठितुम तो हो गया। अच्छा, ची धातु होती है चयन करने के लिए, ची ची चयने, चयन मतलब तोड़ना भी कह सकते हैं, चयन करना भी हो सकता है, ठीक है। चयन ची प्लस तुम चेतुम, ठीक है। ई है, ई को ई, यहां देखो आप लिख में ई था उसको ए हो गया, लेखी तुम नी था ने तुम ची, तो ची को चेतुम बन गया, ठीक है। चयन करने के लिए तो जैसे लिखे हैं राधिका पुष्पम चेतुम, पुष्पम चेतुम वाटिकां गच्छति, वाटिकां गच्छति। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पर भी जो चेतुम पद है, ठीक है, आगंतुम पद है, पठितुम पद है, इन तीनों ही वाक्यों में पठितुम आगंतुम और चेतुम इन तीन पदों में क्या हुआ है, तुम्न प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो जहां भी तुम्न प्रत्यय का प्रयोग होगा वहां के लिए अर्थ बताने के लिए लास्ट में तुम ठीक है, पठितुम आगंतुम चेतुम, ठीक है। तो ऐसे ही लेखितुम, अगर हम लिखें लेखिका लेखम लेखितुम लेखितुम पुस्तिकां स्वीकरोति, पुस्तिकां स्वीकरोति, तो ये हो जाएगा जो लेखिका है वो लेख लिखने के लिए पुस्तिका लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका तुम्न प्रत्यय का प्रयोग हम वाक्यों में इस प्रकार से करेंगे और धातुओं में जब सीधे सीधे पूछा जाएगा वो इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब लेकिन आपका जो प्रश्नोत्तर होगा यानी कि जब आप इसका अभ्यास करेंगे, अभ्यास करने के बाद जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम में किस तरीके से प्रत्यय पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप कैसे पूछे जाएंगे, इसे हमने लिखा मोहन ठीक है, मोहन डैश 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 अथवा नी प्लस तुमुन नेतुम, इससे पहले एक शब्द और आ जाएगा मोहन वस्तु, ठीक है, वस्तु नी प्लस तुमुन आपणं गच्छति। तो आपको क्या करना होगा इसमें कि यहां आपको नी प्लस तुमुन दिया है, आपको वाक्य बनाना होगा पूरा कि मोहन नेतुम, तो वस्तुम, ठीक है, वस्तु शब्द जोड़ देंगे इसमें, नेतुम आपणं गच्छति,
गच्छति। तो इस तरीके से आपका वाक्य वहां पर आ गया, यानी कि दोनों ही प्रकार से अब नेतुम के नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं नीतुम, ठीक है, और इसी प्रकार से चेतुम, पठितुम, लेखितुम, हसितुम, क्रीडितुम, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में पूछा जाएगा, यानी कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वाक्य निर्माण में इनकी हेल्प ले सकते हैं तुम प्रत्यय का, और धातु को अलग अलग करके, यानी कि प्रकृति प्रत्यय विभाग और प्रकृति प्रत्यय संयोग, ये संयोग हो गया, ये विभाग है। इस तरीके से हमने तीन प्रकार से तुम्र प्रत्यय को जाना, एक तो प्रकृति प्रत्यय विभाग और संयोग, दूसरा वाक्यों में उसका प्रकार किस प्रकार, वाक्यों में किस प्रकार से उसका प्रयोग होता है, तीसरा हमारे प्रश्नों में, यानी कि आपके एग्जाम में किस तरीके से उसके प्रश्न किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों ही तरीके से तुम्र प्रत्यय को जानने का प्रयास किया। आशा है आपको ये चीज समझ में आई होगी किस तरीके से इसका प्रयोग किया जा सकता है। आगे हम जो दो प्रत्यय और बचे हैं हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में, उसको भी पूरा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमो नमः, भवतां दिनं शुभं भवतु।